ब्रह्म ध्यान उपरा सत्संग गायत्री के ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र विश्वामित्र भी वशिष्ठ से ही प्रेरित हुए और बाद में गायत्री के ऋषि कहलाए विश्वमित्र जी का एक श्लोक है सप्रभम सत्यमानंद हृदय मंडले अपी ध्याज पित्त तन्ने निष् तिश तष्कामों निष्कामो मुच्चते अचिरात अर्थात प्रकाश सहित प्रकाश के साथ जो सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान से सुनना प्रकाश रूप में जो सत्य और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद सत्य और आनंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में या हृदय का तात्पर्य लौकिक हृदय ही केवल नहीं है लौकिक हृदय में भी महत्व है पर यहां तात्पर्य गहराई से है सूर्यमंडल का ध्यान करता हुआ कामनाओं से रहित होकर मंत्र जपे वो बिना विलंब अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है जो सबसे बड़ी बात पकड़ने की है प्रकाश रूप सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म को का जो ध्यान करता है सूर्य मंडल, सूर्य मंडल का तात्पर्य दिखने वाले सूर्य को इष्ट मानते हुए सविता कामना रहित होकर कोई कामना रहेगी लौकिक कामना जो कामनाएं हम कर रहे हैं परिशोधन इत्यादि नहीं वो कामनाओं में नहीं वो उत्कर्ष में है कामनाएं जो लौकिक स्तर पर हम पाना चाहते उनसे रहित होकर अगर साधना करेगा तो बिना किसी विलंब के वो संसार के आवागमन से छूट जाएगा ये विश्वामित्र का वाक्य है और ये पूर्ण सत्य है कि मनुष्य ध्यान के अनुरूप ही हो जाता है जैसा जिसका गहरा ध्यान वैसा उसका स्वरूप अवश्यम भावी अवश्यम भावी तो यहाँ विश्वामित्र ने एक विशेष बात कही है जिस पर आपको मनन करना है इस पर अनुभूति प्रवास में भी और गहरी साधना मिले जाएंगे इसलिए केवल खिचड़ी दलीय तक सीमित कर दिया कर्मयोग के आवेदन कल साय हम समाप्त कर देंगे कल साय तक जो आ गया आ गया पूर्ण अगले सप्ताह बैच आरंभ हो रहा है ओम ही सत्य है ओम ही सत्य है ओम ही सत्य है